आज मैं बात करने वाला हूँ डिप्लोमा। भाई डिप्लोमा के बाद सैलरी कितनी होती है, एवरेज सैलरी, चाहे आप किसी ब्रांच से बिलोंग करते हो, मैकेनिकल से, सिविल से, इलेक्ट्रिकल से, कंप्यूटर साइंस से और बाकी जो ब्रांचेज है ऑटोमोबाइल से। तो गाइस देखो, जॉब लेने का दो तरीका होता है, एक प्राइवेट है और एक है गवर्नमेंट। लेकिन गवर्नमेंट वाला आपको पता है एंट्रेंस देना पड़ता है, तो कौन कौन सा आपको बता देता हूँ बहुत फास्टली। एक आरआरबी जेई है, एसएससी जेई है, स्टेट लेवल जॉब है ये, और पीएसयूज है, ये आपके गवर्नमेंट सेक्टर है। प्राइवेट में जॉब लेने के लिए आपको बताऊंगा क्या तरीका है आपके पास, एक कैंपस प्लेसमेंट और एक क्या है ऑफ कैंपस प्लेसमेंट, या फिर जाके खुद ढूंढ के लेना। अब एवरेज सैलरी की बात करते हैं। तो देखो गाइस, जो पैकेज लगता है इसमें कोई ब्रांच का ज्यादा कम नहीं लगता है। जो पैकेज लगता है एवरेज आपका डिप्लोमा के बाद, राइट, तो वो होता है 10,000 के आसपास, एवरेज पैकेज यही है। अब तक मैं जो सुना हूँ मैक्सिमम पैकेज कितने, 35,000, और अब तक मिनिमम मैंने क्या सुना हुआ है, 6,000।